दोस्तों, WWE परफॉर्मेंस सेंटर में बाहर निकल एवे सेंटर की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों, इस हफ्ते के स्मैकडाउन का शो वहीं से होने वाला है और WWE अब आने वाले दिनों में अपने शो को वहीं से करने वाला है। कंपनी ने एक नई शुरुआत की है जिसको थंडर डोम का नाम दिया गया है। और दोस्तों, ये सब तो हम सभी जानते हैं कि रोमन रेंस WWE में कई दिनों से बाहर हैं और क्यों बाहर हैं वो भी हम भली भांति जानते हैं। और इसके साथ ही WWE के टॉप सुपरस्टार में से एक ब्रॉक लेसनर भी लंबे समय से WWE से बाहर हैं और उनकी अभी वापसी होने वाली है। अगर दोस्तों आपने अभी तक रोमन रेंस के बाकी के 38 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि WWE अब अपने सारे शो को एवे सेंटर से करने वाला है और ऐसे में अब रोमन रेंस जैसे ब्रॉक लेसनर वापसी कर सकते हैं और रोमन रेंस को भी वहां कोविड को देखते हुए यहां पर अच्छी सुविधा और सेफ्टी है। दोस्तों, परफॉर्मेंस सेंटर में भले ही शो हुए लेकिन एवे सेंटर ज्यादा बेहतर है, जिसके चलते अब सामने आ रहा है कि अक्टूबर तक WWE के ये दोनों बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वापसी कर लेंगे। विंस मैकमैन के शो की रेटिंग अब धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रही है, जिसके चलते अब बड़ा फैसला लेते हुए विंस मैकमैन WWE में अपने सुपरस्टार को बुला सकते हैं, जिससे कंपनी को एक बार फिर से लय मिल जाए और उन्हें फायदा हो जाए। और दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही है कि रोमन रेंस विंस मैकमैन के सबसे चहेते रेसलर में से एक है, तो उनका WWE में लौटना तो तय है। इससे पहले रेसलमेनिया 36 के समय रोमन रेंस को गोल्डबर्ग के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियन के लिए बुक किया गया था, लेकिन इसी साल फरवरी में द शील्ड को सऊदी में गोल्डबर्ग ने हराया और टाइटल जीता था, जिसके बाद स्मैकडाउन में गोल्डबर्ग ने ओपन चैलेंज किया था जिसको रोमन रेंस ने स्वीकार किया। और दोस्तों, ये तय था कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 36 में जीत के साथ नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे और इन दोनों का मैच देखने के लिए हम बहुत सालों से तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस कोरोना वायरस और पारिवारिक कारणों से रोमन रेंस मैच से पहले अपना नाम वापस लिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन को मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने गोल्डबर्ग को हरा दिया और खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों, अब दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर को अपने WWE टाइटल को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करना है और इस मैच को रॉयल रंबल 2020 के विजेता ड्रू ने लगभग 5 मिनट के अंदर जीत लिया और एक नई इबारत लिखी। और दोस्तों, ड्रू उस लिस्ट में शामिल हो गए जो ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा पाए। अब आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंस अक्टूबर तक WWE में वापसी कर लेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अगला पार्ट भी रोमन रेंस के बारे में देखना पसंद करते हैं तो कमेंट में रोमन रेंस पार्ट 40 जरूर लिखें। अगर आप रोमन रेंस के सच्चे फैन हैं तो फिर सब्सक्राइब तो बनता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।